अब आया मजा अम्मा दरवाजे में। पहला शीशे का काम यहाँ पर हो चुका है, मिरर कसवाया है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की भी हमने शुरुआत कर दी है, आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं एकदम सुबह सुबह से। और आज देखो क्या क्या काम होता है क्या क्या नहीं। अभी तो फिलहाल खाली है घर, मिस्त्रियों का इंतजार है कि पुट्टी वाले आते हैं। टायर वाले तो आएंगे, देखते हैं कि पुट्टी वाले आते हैं फिर नहीं आते हैं। अगर आ जाते हैं तो आज गंदगी का काम खत्म हो जाएगा, अब सफाई का काम शुरू हो जाएगा। यस, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइल्स का काम शुरू हो चुका है। तो भाई साहब आज सुबह ही सुबह मैं कर लाया हूँ शॉपिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत के साथ शॉपिंग करके नए नए कपड़े मान लो लेकर आया। ये गंदे पहन लो चाहे अभी नए पहन लो, मुझे सूट करूँ नहीं करूँ, सारी कमाई हमारी लॉस में चली जा रही है। सारे कपड़े इन्होंने रख दिए दबाकर इस सोफे के नीचे, कुछ भी पहनने को नहीं मिल रहा है। मैं कंजड़ों की तरह घूम रहा हूँ आजकल, कितना बुरा लगता है मुझे। दबाकर रख दिए, धोने का मौका नहीं मिल रहा है कपड़े। कोई बात नहीं, कपड़े तो दिखा दो कैसे लाए हो। तो मिट्टी में बात करवा लो, एक जोड़ी के अलावा दो जोड़ी लेकर आया है। मैं एक नहीं दो खरीदो, दो खरीदो क्या है इसमें। ये लेकर आया हूँ लोवर, लोवर ही लेकर आया हूँ, गर्मी आ रही है ना इस चक्कर में, वो भी फैंसी वाले। और दूसरा लेकर आया हूँ ये, और ये है दूसरा लोवर। बंठन के घूमो ना, बंठन के घूमो काम मत अरे तो हम मॉडल है तो बंठन के घूमना पड़ता है, क्या बताए। फिर अगला पीस है ये फुल स्लीव वाला है। सारे देखो यहाँ गंदे हो जाएंगे, फायदा क्या है, बाहर निकल जाऊंगा ना पहन के, बाहर निकल जाऊंगा। अरे बेशरम, हाफ हाफ है इसमें। हाँ एक हाफ। चलो ठीक है गाइस, तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर नहाने के लिए, और मैं अपनी थोड़ा सा होलिया बदल लेता हूँ, स्मार्ट लगता हूँ थोड़ी देर में, स्मार्ट बन के फिर मैं अपना शूट करूंगा जोहर की नमाज पढ़ने के बाद। फिर जो भी चीजें देखते रहना आप आराम से, ठीक है। कैसे आया कीड़े कीड़े के जैसा हाथ लेकर, ठीक है चलो नहाने जा रहा हूँ। तो ठीक है भाई साहब, फाइनली मैं हो चुका हूँ तैयार, मैंने पहन लिए हैं कपड़े। अब आराम से सबसे पहले पढ़ेंगे नमाज, फिर उसके बाद जो शूट वगैरह करने जाऊंगा आराम से जाता रहूंगा। चप्पल एक तरफ, जो भी काम है बाकी घर के। पहनना है ना दोबारा, कौन है? नहीं, एक साइड से करो, चलो आप कर देना, ला मुझे टोपी दे दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमाज पढ़ रही हो अकेली अकेले, बताया भी नहीं, देख लूं दरवाजा। अच्छा ये साइड बची है अभी। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ शीशे की दुकान पर, और यहाँ पर मैं शीशे के कुछ ऑर्डर्स दे रहा हूँ, और एक शीशा अभी फिलहाल लगना है जो कि यहाँ से जाएंगे वो। तो भाई साहब पिलर का मेजरमेंट ले जाने के लिए ये आ चुके हैं। तो ठीक है भाई साहब, अभी फिलहाल मैं वो शीशे का मेजरमेंट लेकर गए हैं, तो यहाँ पर अभी लग जाएगा। और मैं अलग अलग शीशों का ऑर्डर देकर आया हूँ, गेट में लगने के लिए, वॉश बेसिन पर लगने के लिए लाइट वाला शीशा, तो बस अभी वाला जो देकर लेकर गए ना वो अभी लगा जाएंगे थोड़ी देर में आकर। चलिए भाई साहब जब तक थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पहना तो वाले पैसे सारे ठग ले गए। अब पता चली, लोग ये कह रहे हैं जिसके भी घर में जाते हैं वो ऐसे ही ठगके ही लाते हैं, किसी का नहीं करके आते हैं, दूसरे मिस्त्री पर बुलाना पड़ते हैं। जो मम्मा के पुट्टी करने, पुट्टी करने वाले आए वो मम्मा को लूटी ले, उन्होंने किया क्या ये देखो, एक चीज दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये देखो पाइप दबा के गए, ऐसा काम होता है क्या? ऐसे होता है। अब ये हमारा मेन रूम है, यहाँ पर लोग बैठेंगे कहेंगे अरे वाह क्या पुट्टी का ये, और पैसे पूरे ले। अलमारी देखो, ये देख सकते हैं अलमारी की किनारे कैसी बनाई है, ये मिस्त्री की गलती दूसरों की बताना है, बताइए। और वो देखो उस पर घिसाई नहीं करी, देखो 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 कैसा लग रहा है। ये और देखो ये जो मतलब पुराना वाला पेंट है वो दिख रहा है इसमें, देख सकते हैं धब्बे दिख रहे हैं, हद कर दी। और ये बाहर वाले पिलर में भी देख सकते हैं, देखो सारे धब्बे ही धब्बे दिख रहे हैं, और उधर वाले पिलर में भी देखो। मुझे पता चल रहा है हां कि देखो सबके घर ऐसा ही करके आए, तो उन्हें दूसरे मिस्त्री बुलाना पड़े। तो ऐसा करते हैं काम, तो ऐसा करना उनका गलत है फिर, मतलब पैसे पूरे लेना और काम गलत करना। बिल्कुल, अब हमको पता है दूसरे बुलाना हम पड़ेंगे। हम भी मेहनत करते हैं भाई, पैसे हमारे कोई हराम के तो है नहीं। हाँ। हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा तो है नहीं। अब होगा क्या पता है, दूसरे पट्टी वाले आएंगे दोबारा इसको री एडिट करने के लिए, तो हमारे डबल पैसे खर्च होने वाले हैं। डबल खर्च होंगे, डबल पेंट, डबल पुट्टी और डबल पेमेंट।
ये सब कुछ डबल डबल जानी है। तो इस चीज में हम थोड़ा सा नुकसान उठा रहे हैं, बहुत नुकसान में है हमको। बाकी गाइस दरवाजे का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना बचा है मिस्त्री हो चुका है। आज मिस्त्री का सबसे बड़ी बात तो फाइनल डे है, ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ दरवाजा भी बहुत खूबसूरत हो गया, मजे आ गए। अब तो पता लगेगा आर एस 10-4 का दरवाजा है। अब आया मजा, लेकिन इसमें शाइनिंग हुए अलविदा है, अलविदा। ईद पे आना मगर है, हमारा पूरा घर रेडी हो गया देखने, सेवैयां खाने। फाइनली गाइस शीशा बनकर जो है आ चुका है। यहाँ का मेजरमेंट तो इन्होंने ले लिया था, जो भी कट्स वगैरह थे वो लगा कर लेकर आए हैं ये, और अब बस इसको फिक्स करना है इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको ये लगा कर निशान वगैरह लगा रहे हैं। फाइनली गाइस पहला शीशे का काम यहाँ पर हो चुका है, जो कि पिलर पर हमने अभी मिरर कसवाया है, अभी साफ कर रही है मम्मा। तो हमको ज्यादातर प्रॉब्लम रहती थी कि पूरे कपड़े नहीं देख पाते थे, ऊपर से लेके नीचे तक आधा आधा करके देखता था, पहले शर्ट फिर पैंट। अब क्या है एक ही बार में पूरा देख सकते हैं, पूरे पिलर पर हमने लगवाया शीशा। अब ये हटे तो दिखाए आपको, ये बिचारी लो हट गए। हाँ तो देख सकते हैं पूरे एरिए में ये लग चुका है। बताना आप लोग कैसा लग रहा है, खूबसूरती भी बढ़ जाएगी इस एरिया की पिलर लगने से, वो मिरर लगने से। और टाइल का काम हो चुका है खत्म, फाइनल समेट रहे हैं अपना सामान। लो भाई साहब बल्ब भी जल गया, अब आया मजा अम्मा दरवाजे में। चलो घर के स्टूल पहुंच गया तो मरम्मत पूरी कर लूं। मरम्मत हो रही है फाइनली इन टुकड़ों में। दरवाजा तो बिल्कुल चमका दिया, मतलब साफ भी नहीं करना पड़ेगा, चमका के उतरे एक सीधे। कुछ कह दो, दरवाजा बन गया खुशी में। दो सब अभी तो बहुत काम है भाई, क्या कह दूं, डबल पेंट भी तो करवाना पड़ेगा। हाँ अभी तो दोबारा पेंट करने वाला, चले गए बेचारे इतने होशियार। आज लास्ट रोज आए ही, खोल जा हटा सारे तो सावर में खोली खोले। नहीं यहाँ का लास्ट है हमारे घर का, काला काला चमक रहा है इंशाल्लाह। इसके बाद काम होगा, पक दिन काम करा के जब करवाने वाले पक्के तो करने वाले फिर लगना दो जगह कल चलिए भाई साहब अभी हो चुका है असर का वक्त, तो अब मैं जा रहा हूँ असर की नमाज पढ़ने के लिए। फिर नमाज पढ़ने के बाद मुझे जाना मार्केट में, जो भी सामान वगैरह लाना होगा आंटी के घर से, खाना वाना सब लाएंगे, ठीक है। फिलहाल निकलते हैं जल्दी से कुत्तू भाई साहब। A few moments later. तो ठीक है भाई साहब, असर की नमाज हमने पढ़ ली है, अब जा रहा हूँ मार्केट में और जो भी सामान वगैरह लाना है सीधे लेकर और आप लोगों से मुलाकात करते हैं, ठीक है। और मम्मा यहाँ पर अभी रोटियां बना रही हैं और मैं चलता हूँ, ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज़। A few moments later. आ गए हैं वापस फाइनली, और टाइम हो गया 6 बज गए, आधा घंटा मान लो। मैं खरीद कर लाया हूँ सिर्फ पड़ाके, बाकी माल आंटी के द्वारा भेज दिया गया, ठीक है। पड़ाके मिल गए आज सूजी के, काफी मजा आएगा। बर्तन खा धू कि कहाँ तक धूम कहाँ तक, वो बेचारे रोज धोते हैं, रोज वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए रेते ही बर्तनों में खाओ, रेतीले बर्तनों में। चलिए गाइस ठीक है भाई साहब, दस्तरखान पर सामान जाना स्टार्ट हो चुका है। पहले जा रहा है तरबूज और पड़ाकों के आलू। अब आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से देखो ये क्या सा जूता है। हाँ बहुत टाइम से ऐसे ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, वरना ज्यादातर आ जाता था मैं शीशे के सामने ही बात करते करते। और ये लेकर चलनी है पड़ाके, एक कोई यहाँ बैठ जाए वो ले लिया करे, है ना। पापा आप बैठ जाओ, करिए। और ये खुल रही है मम्मा मीठी वाली सॉस, और अभी तो बहुत सारा सामान बाकी है खुलने के लिए। कुछ मीठा भी भेजा है आंटी ने, कह रही थी शीर बनाइए, शायद शीर माल।
जैसा कि आप देख सकते हैं पकौड़े निकल कर आ चुके हैं। ओए शाइनिंग इनकी रहने दे। फिर उसके बाद अगली बारी आती है किसकी, इसको खाकर मम्मा मारेंगी तीर। मैं सोच रही हूँ कटोरियों में ही निकाल दूँ, है ना? बिल्कुल सही। कहाँ एक बर्तन सना दी करेंगे। और क्या, सही बात है। देखो और क्या, हटो हटा फिरते। आके भूत कहता कहाँ से फिरते, हाँ आए वहाँ से, कहाँ से आए हैं? खोलो खोलो जल्दी जल्दी खोलो डिब्बे यार मेरी, ये तक निकालो नहीं, चलिए लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे रुक जा, इसमें लग रही है बिरयानी, चिकन की बिरयानी, चिकन की बिरयानी। बिरयानी बहुत नहीं भेजती, सारी तक खाती रहा अपने घर पे, नहीं छोड़ी सारी भेज दी क्या? इसमें भी बिरयानी, दोनों जगह बिरयानी, इसमें भी बिरयानी है क्या? जल्दी खोलो जल्दी, अभी खोल रही, रुक जा सता रहे इसको। पापा बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब लाएं। इसमें क्या, इसमें क्या, जल्दी देखो। अरे बाप रे, हद कर दी बेटा, इसमें कबाब लो, ये ले कबाब खाइए, ले दे आनंद, लो पापा जल्दी खा लो। मुझे में कैसी बात करता है बेटा, ऐसी बात करता हूँ मैं, स्टाइल है अपना, स्टाइल अल्लाह ताला बुरा मानता है बेटा, ये चीज नहीं कह रही। अब बचपना छोड़ो, इस बात से तो छोड़े, बचपना नहीं जाएगा कभी भी, बड़ा ही नहीं होऊंगा मैं, माँ का लाड ला है इसलिए बड़ा नहीं होगा। यस, मुझे बड़ा होना पसंद नहीं है, मुझे भी ज्यादा नहीं पसंद है, बड़ा हो जाए मतलब इतना बड़ा हो जाए खर्चा उठाए, ज्यादा नहीं। तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है, सिनेमैटिक शॉट और ले लेते हैं। ठीक है भाई साहब, अभी बस थोड़ी देर में अजान होने वाली है, जल्दी से जैसे अजान होगी जल्दी से इफ्तार कर फिर नमाज पढ़ने निकलना है एक सीधे, ठीक है? तो ठीक है भाई साहब, थोड़ा बहुत हमने खा लिया है, पढ़ा के पूरे बच गए, आकर इनका मजा लेंगे, अब जल्दी से जाते हैं नमाज पढ़कर आते हैं, ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس। चलो भाई साहब आ गए, हम सीधा चलते हैं दस्तरखान पर। तो ठीक है भाई साहब, मगरिब का सारा सामान जो है यहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है, मैं जल्दी से आप लोगों के कमेंट और पढ़ देता हूँ। तो ठीक है भाई, सबसे पहला कमेंट है कुलसुम का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, रखना है इसमें, वालेकुम अस्सलाम, कह रही हैं आपके दरवाजे की टाइल्स बहुत अच्छी लग रही हैं, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिर शिमरा का कमेंट है पीओ का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कह रही है नाइस व्लॉग एंड होम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, शुक्रिया आपका भाई इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, पीहू तो वैसे ही मुझे अच्छी लगती है भाई, बहुत प्यारी बच्ची है, मेरी फेवरेट बच्ची है। फिर अगला कमेंट है जिग्गू ब्लॉग का, पाकिस्तान से, कह रही है अब घर की शक्ल नजर में आने लगी है, माशाल्लाह आपको रहना नसीब करे, आमीन आमीन, शुक्रिया आपका भाई इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। तो लास्ट कमेंट इमरान सैफी का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, घर पर तो अच्छा काम चल रहा है, तो जी हाँ वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका भाई, बस दुआ करते रहे। यहाँ पर खड़ा होकर काफी अच्छा लग रहा है, अपना नया नया शीशा, काफी मजे आ रहे हैं। बाकी आज के व्लॉग कहीं पर एंड कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना करना। और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देना भी करना भाई, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।